आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा नच का सफर? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मतलब मैं डांस कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मजा मेरे को जिंदगी में नहीं आ रहा। बहुत मजेदार डांसिंग हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। समझ नहीं आ रहा है मेरी तारीफ कर रही है मजाक उड़ा रही है दोनों। बीवी ये हमें अभी अभी पता चला है कि रोहित को टेलीविजन के गोविंदा घोषित कर दिया गया। आई मीन रियली, ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है साला। मैं 5 साल में मैंने झस मारी है, कुछ नहीं, कभी कुछ घोषित नहीं किया गया मुझे। भाई शाय, रिजर्व्ड, साइलेंट गर्ल ऐश्वर्या का खिताब मिला है हमेशा, और तुम्हें मतलब 6 हफ्ते में गोविंदा। गोविंदा जी मेरे, आई थिंक जब से फिल्में समझ आनी शुरू हुई हैं, आई थिंक तब से गोविंदा जी मेरे फेवरेट रहे हैं। फ्रॉम हत्या, हत्या के बच्चे की मैं मिमिक्री भी करता था। ओ या, तो तब से गोविंदा जी का इतना वो था कि गोविंदा जी का हाथ है हमारी रिलेशनशिप में, हमारी बॉन्डिंग एक्चुअली इसीलिए हुई थी गोविंदा कि जी के ऊपर। आई थिंक इनिशियली जब इससे मिला था मैं, हम सिर्फ दोस्त थे तो बात करते हम दोस्त भी नहीं थे, हाँ, हम कलीग्स थे। तो यूजुअली लड़कियों का बहुत एक वियर्ड फंड होता है ना, सो आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो आमिर खान, टॉम क्रूज, वो लड़कियां बड़ी वो एक्टर। तो ऐसे मैंने इससे पूछा कि कुछ ऐसा हुआ कि फेवरेट एक्टर कौन है, तो गोविंदा ये लड़की करेक्ट है। तो आई थिंक वो एक रीज़न था कि हाँ, जिसको मेरी टाइप की फिल्में समझ आती हैं वो आई थिंक वो झेल लेगी मेरे को। एंड मैं इनकी गाड़ी में बैठी और इमिजिएटली इन्होंने गाने ऑन किए सारे गोविंदा के छपरी नंबर्स। आई वाज लाइक, बॉस, दिस गाय इज ऑसम, सो थैंक यू गोविंदा जी, वी लव यू। क्योंकि आई थिंक 90 के दशक से अभी तक जितने भी गोविंदा जी की फेमस गाने हैं वो आज तक मेरी गाड़ी में बजते हैं। एक अलग से फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने टपोरी फोल्डर, हाँ, तो वो अभी तक रखा है। आई थिंक बहुत बड़ा। और गोविंदा जी ने मेरे को हैप्पी बर्थडे भी बोला है। हाँ, इस साल हैप्पी बर्थडे नहीं, मैं बर्थडे विश, बट मैं हैप्पी बर्थडे, उन्होंने हैप्पी बर्थडे बोला है ना। अच्छा, उन्होंने बर्थडे विश नहीं बोला। अच्छा, ओके। अच्छा, फन मेमोरेबल मोमेंट, मैं अभी अगर उस टाइम पे सोचा जाता तो मतलब बिल्कुल भी फनी नहीं था, लेकिन जब रोहित सेकेंड वीक में स्टेज को गले लगा लिया था इन्होंने और मैंने इनकी पैंट खींच के इन्हें रिक्शे तक लेके गई थी, वो जो हमारी सेकेंड परफॉर्मेंस थी वो सबसे मेमोरेबल रहेगी मेरे दिमाग में। क्योंकि स्टेज पे हमारे कुछ 40 सेकेंड बाकी रह गए थे, रोहित भाई साहब ने स्टेज माता को गला लगा लिया था और मैं ऐसे बोल रही थी बेबी उठ, बेबी उठ, और मैं आसपास मुजरा कर रही थी और भाई साहब नहीं उठ रहे थे। मैंने फिर इनकी बेल्ट को पकड़ा पीछे से, वो फिल्म याद आ गई जैसे इसने भी बोला वो दिल है के मांगने, राघु उठ रघु उठ, तो मेरा ही मन करता लात मार के बोलूं उठ, उठ क्यों नहीं रहा है उठ, लेकिन रोहित को बहुत जोर से लग गई थी उसमें। आई थिंक मेरे लिए सबसे मजेदार मोमेंट हैज टू बी द फर्स्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने कैमरास के सामने परफॉर्म नहीं किया। और जब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद लोगों ने वंस मोर बोला, जो वो ऑडियंस थी वो आई थिंक वो अभी तक कानों में बज रही है, और आई थिंक मरते दम तक वो चीज़ रहेगी। क्योंकि पहली बार अगर आप कुछ करते हो और अगर तारीफ होती है तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकता। क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन लग रहा है आपको, आपकी टक्कर का हो या? ओ भाई, हम अपनी टक्कर पहले एक दूसरे को दे दे, मतलब समझ में नहीं आता, मतलब 25 22 26 2, मतलब नंबरिंग का, हमारे स्कोरिंग का अभी तक हमें खुद हिसाब नहीं है कि कैसे हो रही है। तो पहले हम यहीं पे अपने आप को ही बीट करें कि अच्छा, लास्ट टाइम अगर 25 आए थे तो अब 27 पे जाएं या 28 पे जाएं। अभी हम दूसरों का नहीं सोच रहे हैं, अभी हम अपने आप को ही बीट करने पे लगे। अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करो, बाकी ठीक है, अपना एक अच्छा दिन आना चाहिए, बाकी देखते हैं। आई लव माई जजेस। इनिशियली थोड़ा बहुत ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस बेसिस पे जज किए जा रहे हैं, या फिर मिस्टर भगत ऐसे क्यों हैं, बट यू नो विद ऑल द वीक्स दैट हैव गॉन बाय वी हैव रियलाइज दैट दे आर रियली रियली नाइस गाइस। एंड मजीद सर को मैं पहले से उनके बारे में जानती थी, मैंने उन्हें जज करते हुए देखा था, सो आई हैड एन अंडरस्टैंडिंग। किसी को मालूम नहीं है कि 10-12 साल पहले मर्जी सर से 10-12 साल पहले मैं 40 साल की हूँ, 6-8 साल पहले ये मर्जी सर से डांस सीखती थी। हाँ, उनको याद नहीं है। डांस सीखती थी क्या मतलब, 3 महीने के लिए मैंने एक ज्वाइन किया था शामक का इंस्टीट्यूट और उसे मर्जी सर वॉज माई इंस्ट्रक्टर,
तो उन्हें ये बिल्कुल याद नहीं, उन्हें भी याद नहीं है. मतलब मैं हमेशा से ऐसे पीछे शाय सी और इनविजिबल सी रही हूँ. बैक बेंचर. इनविजिबल बैक बेंचर डिफरेंस. तू बोल. मेरा गला सीरियसली बैठ रहा है. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने हमें इतना प्यार, इतना दुलार दुलार गोविंदा की फिल्म सॉरी, आपने इतना प्यार दिया. इट्स मेरे को बहुत मज़ा, हमको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर नाचते हुए. एंड आई होप कि जैसे आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं और करते रहें, और थोड़ा और पसंद कर लो, थोड़ा सा और, थोड़ा टू मच, ताकि हम फाइनल तक जाएं और फिर एक फाइनल अटेम्प्ट. हाँ. देखो हम फिनाले में जाएंगे तो हमें और परफॉर्मेंसेस मिलेंगी ना, फिर हम और एंटरटेन कर पाएंगे ना, तो प्लीज हमें फिनाले तक पहुंचाओ. इस बार गिरूंगा नहीं.